तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा है कि आप लोग ठीक ही होगा। स्वागत है आपका नए मेथड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक आपने नीचे कमेंट नहीं किया है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। और हो सकता है कि आवाज़ आपको जो थोड़ी सी धीमी आ सकती है, क्योंकि मैं जो हूँ अभी गाँव आया हूँ और मेरे पास माइक नहीं है, तो प्लीज़ मुझे जो है इस आवाज़ धीमी के लिए माफ़ कर दीजिएगा। और हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा आवाज़ आपको सुनाई दे दे, क्योंकि गाँव के अंदर काफ़ी सारी जो एक्स्ट्रा आवाज़ें होती हैं वो आती हैं, तो उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो को स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे अर्थ खाना बना रहा होता है, तभी जो यहाँ पे जी होता है ये बोलता है कि वैसे तुमने क्या कैंपिंग के बारे में सुना है? तो अर्थ बोलता है कि हाँ मैंने जो है सुना है। तभी यहाँ पे जो मिली होती है ये बोलती है कि आखिर ये जो कैंपेन है ये किस बारे में है? तो यहाँ पे अर्थ बोलता है क्या तुमने इसके बारे में सुना नहीं है? जिसके बाद ये बोलता है कि यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरह के गेम खेलते हैं अलग अलग वीआर से, लेकिन इस बार जो कंपनी है वो ट्राई कर रही है कि वो हर एक गेम के लिए एक ही वीआर बना दे। इसका मतलब एक ही वीआर से हम सारे गेम खेल सकते हैं, जिससे जो प्लेयर है वो काफी इंक्रीज हो जाएंगे और बहुत सारे जो प्लेयर है वो भी इस गेम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी साथ में जो फेरी लैंड है वो भी जो है अब खुल चुका है, अब लोग वहाँ पे भी जाना शुरू कर चुके हैं। जो अर्थ होता है वो खाना बना रहा होता है, तभी जी उसको छूता है, तो यहाँ पे अर्थ बोलता है कि तुम्हें इसको नहीं छूना है, और उसको मार देता है। जिसके बाद अर्थ जो होता है यहाँ पे एक लड़की को वही डंडा दे देता है और बोलता है कि जब भी यहाँ पे जी खाने को छुए तुम इसको मारना। वो लड़की बोलती है ठीक है। जिसके बाद जो लड़की होती है वो बोल रही होती कि वैसे बहुत सारे प्लेयर होंगे तो हमारा जो गिल है वो भी काफी बढ़ जाएगा, इसका मतलब बहुत सारे मेंबर जो है हमारे गिल को ज्वाइन करेंगे। तभी जो मिली होती है बोलती है कि उससे पहले जो लीजा है उसे जो हमें संभालना पड़ेगा, वो कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड में रहती है। यहाँ जी बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जिसके बाद जो मिली होती है ये बोलती है कि वैसे अर्थ भी हमें अब हेल्प कर सकता है। तो जिसके बाद अर्थ बोलता है कि नहीं, मैं जो हूँ तुम्हारे जो गिल है उसे ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो जी होता है ये बोलता है कि ऐसा क्यों? तो अर्थ बोलता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बार बार यहाँ पे जो हूँ मना कर रहा हूँ, तो मुझे बार बार ऑफर दे रहे हो लेकिन मैं मना कर दे रहा हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे अपना गेम खेलना है, जिसकी वजह से मैं मना कर रहा हूँ, प्लीज तो मुझे माफ कर देना। फिर ही मन में सोच रहा होता है कि अगर लोगों पर चल गया कि क्वीन और क्वीन की सिस्टर दोनों ही मेरे साथ रहती हैं तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। पहले क्वीन की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, तभी क्वीन की जो सिस्टर होती है वो यहाँ पे आ जाती है, और जैसे ये खाने को टच करने वाली होती है तभी अर्थ उसको मारता है और बोलता है कि ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, ग्रीन हूँ। तभी यहाँ पे जो मिली होती है बोलती है कि वैसे ये कौन है? तो उसके बाद जो अर्थ होता है वो बताए उससे पहले ये दोनों लड़ने शुरू कर देते हैं। यहीं पे जो टैंकर होता है ये बोलता है इसका मतलब ये हुआ कि तुम क्वीन को तो डेट कर ही रहे हो और साथ में बाकी जो लड़कियां हैं उनको भी जो डेट कर रहे हो, है ना? तो यहाँ पे जो अर्थ होता है ये इसको मारता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुमने ये कैसे कह दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मिली होती है और एक लड़की होती है दोनों बात कर रही होती है कि इन दोनों का कोई रिश्ता लग रहा है मुझे, देखो इसने इसका नाम जो है रेनू रखा है। तभी जो रेनू होती है ये बोलती है कि इस नाम से सिर्फ अर्थ ही बुला सकता है, मैंने नहीं सोचा कि कोई और इस नाम से बुलाएगा। उसके बाद जो अर्थ होता है वो बोलता है कि मैं जो हूँ फेरी लैंड में जाने वाला हूँ, और ये बोलता कि फेरी जो लैंड है उसके बीच में ही कैसल है, साइड में जो है ईस्टर्न जो है कंट्री है और उसके साइड में साउथर्न कंट्री है। उसके बाद ये बोल रहा होता है कि फाइनली वो दिन आ गया जब मैं कैसल में जाऊंगा। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर आए हुए हैं आज। तो उसके बाद ये जो होता है पहुंच जाता है वहाँ पे जो होता है फेरी लैंड में। यहाँ पे जो एक बंदा होता है वो आता है और बोलता है कि प्लीज आप जो है यहाँ पे जो अपना हाथ की अंगूठी है उसको दिखा दीजिए। अर्थ बोलता है कि अब मुझे जो प्रिंसेस है उसका जो यहाँ पे प्रॉमिस है वो भी याद आ गया है, फैसल वेलकम वाला। जिसके बाद ये अर्थ जो होता है अपना अंगूठी दिखा देता है, ये बोलता है कि अब मैं समझ गया आप ही जो है अर्थ है। तो अर्थ बोलता है कि हाँ मैं ही अर्थ हूँ। जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि मैं जो हूँ फोर्ड्रेट हूँ और मैं यहीं का चीफ इंचार्ज हूँ, और ये बोलता है कि आप जो है मेरे साथ चलिए, आपको जो है इसके ऊपर राइड करके जाना है। जिसके बाद हम देखते हैं बहुत जो पंछी होता है वो आ जाता है, अर्थ उसके ऊपर चढ़ जाता है। जिसके बाद जो पंछी होता है वो अर्थ को उड़ा के ले जाता है यहाँ पे कैसल के पास। यहाँ पे अर्थ नीचे उतर के जो रानी होती है उनको थैंक यू बोलता है इतने फैसल वेलकम के लिए। जो यहाँ पे रानी होती है वो भी राजमहल से बाहर आती है अपने जो है बंदों के साथ, और ये बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो खुशी मिली कि आपको जो है मेरा वेलकम का जो तरीका है वो यहाँ पे पसंद आया। अर्थ यहाँ सोच रहा होता है अच्छा हुआ कि ये जो है रिलैक्स है, इसने कोई पागलपंती नहीं करी। जिसके बाद ये बोलती है ठीक है अभी आप आराम कीजिए, रात को हम जो है यहाँ पे जो है वो जो है चालू करने वाले हैं। अर्थ बोलता है परेड, जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें परेड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ परेड के अंदर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो होते हैं और सभी लोग काफी खुश होते हैं। अर्थ सोच रहा होता है कि मेरा जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं जो हूँ बहुत सारी जो यादें हैं वो बना पा रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद ये भी जो है परेड को यहाँ पे इंजॉय कर रहा होता है।
होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कैसल का सीन, जहाँ पे जो अर्थ होता है वो इसको थैंक यू बोल रहा होता है राजकुमारी को। यहाँ पे राजकुमारी बोलती है कोई बात नहीं, वैसे जो परेड का आइडिया था वो मेरा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि यहाँ पे जो लोग है वो ये देखें कि हम जो है किस तरह से स्वागत करते हैं बंदों का। वैसे भी आपको देखने के लिए सभी लोग यहाँ पे जो है इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद कुमारी कहती है ठीक है तुम जो है यहाँ पे अब आराम करो, कल तुम जो अपनी एक्टिविटी है वो दोबारा चालू कर देना। अर्थ बोलता है ठीक है मैं समझ गया, जिसके बाद ये निकल जाता है। जिसके बाद जो अर्थ होता है वो जा रहा होता और कहता है कि आज मैंने बहुत ज्यादा दिन है वो जो है बिता दिया यहाँ पे जो है कंप्यूटर के ऊपर, अब जो है मुझे जाना चाहिए और सोना चाहिए। तभी जो राजकुमारी होती है ये आ जाती है और ये पूछती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो यहाँ पे जो अर्थ होता है ये बोलता है कहीं नहीं मैं जो हूँ बस स्लीपिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे जो राजकुमारी होती है ये बोलती है ठीक है क्यों ना हम साइड बाई साइड स्लीपिंग करें। अब बेचारा जो अर्थ होता है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और जाता है वो खिड़की से कूद के यहाँ से भाग जाता है। अर्थ बोलता है कि जब मैंने कैसल को छोड़ा उसके बाद मैं जो हूँ यहीं पे जो पास में टाउन है वहीं पे चला गया हूँ। उसके बाद देखते हैं अर्थ यहाँ पे आ जाता है और कहता है कि मैंने जो हाई रैंक का रैबिट है उसको जो है मार दिया है। यहीं पे जो लड़की होती है ये बोलती है कि आखिरकार आपने कर दिखाया। जिसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अर्थ होता है वो रैबिट को मार रहा होता है। ये बोलता है कि मैं रैबिट को मारने वाला ही था, एकदम से यहाँ पे एक पंछी जो है मेरा रैबिट लेकर जाने वाला था लेकिन मैंने उसको भी मार दिया। फिर जो अर्थ होता है वो इस लड़की से पूछता है कि वैसे यहाँ पे कोई किचन है? तो यहाँ लड़की बोलती है कि हाँ पीछे जो है किचन है। जिसके बाद ये किचन में चला जाता है और यहाँ पे खाना बना रहा होता है। खाना बनाने के बाद जो अर्थ होता है वो खाने को टेस्ट कर रहा होता है। ये बोलता है कि जो खाना है वो तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा बना हुआ है आज तो। जिसके बाद जो बर्ड होती है उसको भी बना के खा रहा होता है। यहाँ पे कहता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा बना हुआ है। तभी यहाँ पे कुछ बंदे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि जो स्मेल है वो काफी अच्छी आ रही है, हमें भी जो है खाना है। अर्थ बोलता है ठीक है मैं तुम्हें खाना दूंगा लेकिन बदले में मैं तुमसे पैसा लूंगा। जिसके बाद ये बंदे मान जाते हैं। जिसके बाद अर्थ यहाँ सभी बंदों को खाना दे देता है। यहाँ पे बंदे बोलते हैं खाना बहुत ज्यादा ही अच्छा है आज तो। अर्थ यहाँ पे सोच रहा होता है कि जब मैं पहली बार आया था तो मुझे हंटिंग जो क्विज है उसका जो है यहाँ पे टास्क मिला था, उसके बाद मैं जो हूँ यहाँ पे खाना बनाने के लिए पूछा था और यहाँ पे हम लोग काफी एंजॉय करते हैं। अब यहीं पे जो अर्थ होता है वो बाकी बंदों के साथ यहाँ पे एंजॉय कर रहा होता है। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है और बोलती है कि जल्दी से अर्थ को छुपा लो, यहाँ पे जो फोरगंस की जो पागल बेटी है वो जो है आ रही है। जिसके बाद अर्थ जो होता है यहाँ पे छुप जाता है। यहीं पे जो लड़की होती है वो आ जाती है और ये बोलती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे जो है कोई बंदा आया हुआ है जो बहुत अच्छा खाना बनाता है। तो यहाँ पे जो शेफ वाली लड़की होती है ये बोलती है सॉरी आप काफी लेट हो गए, वो जो है चला गया। जिसके बाद प्रिंसेस बोलती है अच्छा ये बात है क्या, लेकिन बंदों से तो मैं सुना था कि लास्ट कुछ दिनों में वो यहीं पे दिखाई दिया था, असल में मैं चाहती थी कि वो मेरे लिए खाना बनाए और अपने लिए जो सम्मान है उसे जो है प्राप्त करे। तभी जो लड़की होती है बोलती है मुझे माफ कर देना, असल में वो जो है चला गया है अभी, वो जो है जो ईस्टर्न साइड गया है। जिसके बाद यहाँ प्रिंसेस बोलती है ठीक है वो ईस्टर्न साइड गया है ना। ये यहाँ अपने बंदों को बोलती है कि सारे बंदों सुनो मेरी बात, तुम जाओ ईस्टर्न साइड में और वहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मुझे जो है दे देना। और जिसके बाद ही लड़की को बोलती है कि अगर तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिले तभी तो मुझे इन्फॉर्मेशन दे देना। यहाँ पे लड़की बोलती है ठीक है। यहीं पे जो लड़की होती है वो चली जाती है यहाँ पे जो है अर्थ को निकालने के लिए। अर्थ बोलता है कि तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ। तो यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती है कि हमें जो है प्रिंसेस ने मना किया था कि हम किसी को बताएं कि आप जो है यहाँ पे हैं, भले ही हम आपको जानते हो लेकिन हम जो ऐसा व्यवहार करें जैसे कि हम आपको जानते नहीं है। वैसे भी जो लड़की है ये काफी पागल है, अगर ये आपको देख लेती है आपको काफी परेशान करती है और साथ में हमें भी काफी परेशान करती है। जिसके बाद यहाँ अर्थ बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आपको हमारी वजह से कोई जो हो परेशानी हो। जिसके बाद अर्थ यहाँ पे ईस्टर्न साइड की तरफ निकल जाता है। तभी जो अर्थ होता है ये बोलता है कि वैसे आपने मेरे लिए काफी कुछ किया, मुझे भी यहाँ पे काफी मजा आया, चलो ठीक है मैं निकलता हूँ। अर्थ यहाँ पे रात को बाहर निकल जाता है। अर्थ बोलता है कि अंधेरा खत्म होने से पहले मुझे जो है यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ पे सैनिक अर्थ के लिए गेट भी खोल देते हैं। तभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है ये बोलता है कि तुम काफी लेट हो गए हो, मैं जो हूँ तुम्हें छोड़ देता हूँ, मेरे पीठ पे बैठ जाओ, वैसे भी मैंने जो है तुम्हारा खाना खाया हुआ है, तुम जो हो काफी अच्छा खाना बनाते हो। अर्थ बोलता है क्या तुमने मेरा खाना खाया हुआ है? तो ये बंदा बोलता है कि हाँ मैंने जो आपका खाना खाया हुआ, इसलिए थैंक्स के बदले में मैं जो हूँ तुम्हें यहाँ पे राइड दूंगा मेरे ऊपर। जिसके बाद जो अर्थ होता है वो यहाँ बैठ जाता है और ये लोग निकल जाते हैं। यहीं पे हम प्रिंसेस को देखते हैं, ये बोलते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही बेकार खबर आई हुई है, यहाँ पे जो फोरगनस की बेटी है वो जो है सभी लोगों को परेशान कर रही है, मैंने सुना है कि साउथन जो यहाँ पे एडवेंचरर है उनको भी जो है उसने परेशान किया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़की और इसके पिता हमें परेशान क्यों करते हैं, जब भी हम लोगों से यहाँ पे मिलने जुलने की कोशिश करते हैं यहाँ पे ये लोग बीच में आते हैं और हमें परेशान करते हैं। तभी जो एक सिपाही होती है ये बोलती है इस बार इन्होंने हद कर दी है, अब इनका जो नेक्स्ट टारगेट है वो जो है अर्थ है। इसके बाद ये जो प्रिंसेस होती है काफी गुस्सा हो जाती है। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं मिलूंगा आपको जो अगले वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय और आवाजों के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा जो यहाँ पे आपको कमाई होंगी, बस ये जो है कुछ दिनों की ही बातें हैं, उसके बाद जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है मैं मिलूंगा अगले एपिसोड में, जब तक लिए बाय बाय।